मैं 19 साल की हूँ, मलाबाग से रहती हूँ और मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्ट हो गया था, मैं बचपन से ही पेंटिंग करती आ रही थी। जस्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक अदर जब बच्चे छोटे थे तो वो ड्रॉ करते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी। बट और कहते हैं ना, वो क्रिएटिविटी का एक कीड़ा होता है दिमाग में, वो मेरे फैमिली में आई गेस सब में था। मेरे हिसाब से मेरे भाई और मैंने जितना हमने एक साथ खेला है, हमने जितना एक साथ क्रिएटिविटी की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की करी हुई हैं, उतना किसी ने नहीं किया होगा। सो व्हेन आई वाज यंग, हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, बट ड्यू टू सर्टन थिंग्स, ड्यू टू सर्टन एक्टिविटीज़ कुछ हो गया ऐसा कि वी हैड टू स्टॉप। मेरा ऑलमोस्ट 8 साल का ब्रेक लग गया। आफ्टर दैट मैंने 10th में वापस से स्टार्ट किया। जो मेरी ये स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मेरा जो ये था, मेरा जो पेंटिंग की तरफ फिर से रुझान होना था, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड वी ऑल नो दैट हमारा जो कश्मीर में हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो भी हैं रिलेटिव्स हैं, वो 10th के एग्ज़ाम को क्या कितना सीरियसली लेते हैं। सो जो ही मैं 10th में थी, मेरा एग्ज़ाम होना था, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा। ऑल्दो आई बिलोंग फ्रॉम स्कूल, मैंने अपनी स्कूलिंग इंस्टीट्यूट से करी हुई है, RP, यू मस्ट बी नोइंग दैट, जो बच्चों को ऑलरेडी प्री प्रिपेयर रखता है हर एग्ज़ाम के लिए। सो मेरा एग्ज़ाम ऑल्दो प्रिपेयर्ड था, बट समवेयर एक स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, जो हमने एक नॉर्म बना कर रखा है दैट 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, सो एक स्ट्रेस बढ़ गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसकी वजह से मैं अपना जो जो कुछ भी अंदर से वो फीलिंग्स थी वो मैं बाहर निकल पाऊँ। बिसाइड्स वन मोर थिंग इज दैट आई एम अ पर्सन ऑफ शॉर्ट वर्ड्स, मेरे जो मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ बाई वर्ड्स, बट द थिंग इज इवन देर आर लॉट ऑफ पीपल हु से दैट तुम क्यों बात को ख़त्म करती हो बीच में, मे बी ओके, बट देन सो जो ही स्ट्रेस बढ़ता गया, बहुत सारी चीज़ें होती गई, तो मेरा जो ये था कि अब कुछ होना चाहिए। आई वॉज वंस फुल ऑफ एन्जाइटी एंड आई सॉ माई कजन्स सम ऑफ हर ब्रशेज एंड व्हाट आई सॉ दैट मैंने यूँ ही ब्रश उठा दिया एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग। एक कहते हैं ना सुकून मिलना, एक रिलीफ मिलना, वो मुझे मिल गया। एंड देयर बाय थॉट, व्हाई डिड आई लीव दिस वेरी स्टफ लॉन्ग बैक, क्यों मैंने इसको छोड़ा। एनीवेज तो जो ही स्ट्रेस बढ़ता गया, ब्रशेज उठा लिए, पेंट कर लिया, एंड एक रिलीफ जो ही मिला ना, इंसान कहता है कि नहीं, जिस चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगा वो चीज़ छोड़नी नहीं है। सेम आई डेड, मैंने फिर उसको छोड़ा नहीं, कुछ टाइम तक मैंने पेंटिंग्स की, और पेंटिंग का मैंने एक ऐसा जॉनरा लिया था उस टाइम पे जो एब्स्ट्रैक्ट था, बट विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम आई टुक अप कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में मैंने एब्स्ट्रैक्ट भी स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने अरबिक में भी किया और इंग्लिश में भी किया, लाइक आई हैव होल्ड ऑन ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ कैलीग्राफी। देन पेंटिंग में भी मैंने लैंडस्केप भी की, पोर्ट्रेट्स भी की, एंड मैंने एब्स्ट्रैक्ट उसमें भी किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट मुझे सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग ही पसंद है। नाउ विद टाइम, देन माय मॉम इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ वूमन, सो शी ऑलवेज यूज्ड टू से टेल मी दैट हे व्हाट आर यू डूइंग दिस, क्या कर रहे हो, पेंट गिरा दिया, वो हो गया ये। बट विद टाइम जो ही मेरा ये हो गया, मतलब उन्हें लगा कि आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, जो मैं कर रही हूँ वो कुछ ऐसा वैसा काम नहीं है, सो शी ऑल्सो स्टार्टेड नो, मतलब वो अप्रिसिएट करने लगी मेरे इसको, एंड शी वाज़ टेलिंग जस्ट डू इट। आई क्लियरली से दैट आई एम अ सिंगल पेरेंटेड चाइल्ड, सो जो मेरी माँ है, आई हैव नॉट सीन एनी वुमन इन द वर्ल्ड एज लिबरल एज शी इज़। लिटरली आई मस्ट से दैट शी हैज़ बीन अ वेरी सपोर्ट सिस्टम टू मी, सो शी वॉज लाइक डू इट, जो आपको करना आप करो। हाँ, नो डाउट एवरी पेरेंट इज़ लाइक अ रिस्ट्रिक्टेड वन, क्योंकि वो अपने बच्चे को कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी और रास्ते की ओर चला जाए।
So she was like that, and but she never stopped me, and rather I must say that she was a supportive one. So वो एक support system थी मेरे life में. With time then I started, फिर मेरी friends थी वो on and off कहती थी कि we want to buy this, make this thing for us, make that thing for us. And at the end मुझे लगा कि नहीं, because painting करना या कोई भी form of art करना, नो डाउट ये आपका मेंटल जो स्ट्रेस है रिलीज करता है, बट द थिंग इज़ दैट आपका इसमें टाइम चला जाता है, आपका इसमें पैसा चला जाता है, बिकॉज आर्ट रिलेटेड गुड्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो या तो आई मेड अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने उसका कुछ नाम रखा, द आर्ट गैलरी के नाम से मैंने उसको रखा, एंड आई स्टार्टेड सेलिंग ऑन दैट. विद टाइम मुझे लगा कि नहीं, it grew into a small business, and right now I'm running it successfully for almost two and a half years right now. So this was my story. Itna kaafi hai. So uske baad maine socha ki well aaj jab Instagram ke through jaate hain ya aap apne social media ke through jaate hain, aap dekh sakte hain ki main hi ek nahi hoon jo painting artist hai, main hi ek nahi hoon ki jo calligraphy karti hai ya aisa koi bhi form of art karta hai. मुझे ये मिला कि जो हमारी कश्मीर का टैलेंट है, यूथ है, वो फुल ऑफ टैलेंट है. ईच एंड एवरी वन हैज़ वन और अदर अनदर फॉर्म ऑफ टैलेंट. लाइक अगर मैं देखूँ, अगर मैं बात करूँ, किसी में फोटोग्राफी का ये होता है, टैलेंट होता है, किसी में राइटिंग का होता है, किसी में पेंटिंग का तो है ही, म्यूज़िक वगैरह, स्केचिंग. यहाँ पे इतने फाइनली आर्ट फाइन यूथ है कि जिनमें इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बट दे आर like you cannot imagine. So but the thing is here, yahan pe aap ek dusre ko jante nahi ho because of the turmoils, on and off turmoils, because of the lack of connectivity, because of the lack of platform. Yahan pe kuch bhi nahi hai aisa. So what I thought recently, I have been working on this very project to help artists communicate with each other, to help artists. मैंने एक ऐसा रूफ उनके लिए मैंने रिसेंटली वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए जहाँ पर हम एक दूसरे को जाने, लाइक हु इज़ द अदर फेलो, हु यहाँ पे आर्टिस्ट और कौन है. जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे कल को कोई प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर कुछ और हमारे लिए हो सकता है. सो वो भी मैंने अपने पेज के थ्रू स्टार्ट किया. आई फील दैट आई एम द यंगेस्ट पर्सन इन द कश्मीर, बिकॉज मुझे नहीं मिला ऐसा कोई जो मुझे बोले कि आपके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है. बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं एक ऐसी इकलौती लड़की हूँ जिसने दूसरे आर्टिस्ट्स के लिए कुछ करने की ठान ली है. सो इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि आई हैव नो डाउट वट एवर यू इन्वेस्ट, लाइक यू इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर मनी, यू विल गेट समथिंग बैक. इट्स लाइक एन इको. जब आप कोई किसी खुली जगह में कोई आवाज़ नहीं मारते, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ वापस आता है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. नो डाउट मेरा स्ट्रेस रिलीज हुआ. नो डाउट मेरे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई. बट ऑल्सो आई स्टार्ट द बिजनेस ऑन दिस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, आई मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस. थैंक यू. बस सो एज आई सेड कि मेरी जो ये स्टोरी है, एक सम लाइक नथिंग टू समथिंग, बिकॉज मेरी मामा जब कहीं जाती है या मैं कहीं जाती है, अरे शी इज़ इर्तज़ा, इसका पेज है द आर्ट गैलरी इर्तज़ा फिरदौस, सो मुझे इस नाम से जाना जाता है. सो हर एक में कोई ना कोई टैलेंट है, हर एक में कोई ना कोई, एंड देर इज़ अ थिंग, देर इज़ अ सेइंग दैट हर कोई बच्चा एक आर्टिस्ट होता है बचपन से, चाहे उसमें कुछ भी हो, कोई भी हुनर हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपने पेंटिंग ही होगा, नॉट नेसेसरी आपने कैलीग्राफी होगा, बट द थिंग इज़ दैट आप में कोई भी आर्ट हो सकता है. यू आर अ पर्सन फुल ऑफ आर्ट, यू कैन बी अ पर्सन फुल ऑफ आर्ट. सो जस्ट गो विद इट, नरिश इट, ब्रश इट, चीज़ल इट. जितना आप इसको ब्रश कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर हो पाएगा, उतना आपके लिए एक जितना आप इसको ब्रश कर सकते हो उतना करें. लाइक एक्टिविटीज़ यहाँ पर कश्मीर में अभी बहुत ज़्यादा ड्रग रेट्स है, ड्रग्स इज़ कंज्यूम्ड एट अबंडेंस, यहाँ पे बहुत सारी और भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं, सोशल ईवल्स हैं. बट विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट यू कैन नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, एक फुल्ली सिविलाइज ह्यूमन बनेंगे, तब जाके दुनिया का कुछ होना है. अदरवाइज देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन. हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हमारी खुद की जिंदगी तबाह हो वीरान. सो देयर इज अ मैसेज फॉर यूथ, प्लीज एंड प्लीज डू नॉट गो इनटू एनी ऑफ द बैड एक्टिविटीज, इविल एक्टिविटीज. रादर यू शुड ऑलवेज बी
थैंकफुल फॉर अल्लाह वट एवर ही हैज़ गिवन यू, एंड आप में टैलेंट है उसको नरिश करें, उसको ब्रश करें. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ मेक सम एफर्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइन जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. आप उनकी हेल्प करें, मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर कश्मीरी आर्टिस्ट सो दैट वी कैन कम आउट ऑफ द मेंटल ट्रॉमास दैट आर ऑनगोइंग राइट नाउ. थैंक यू सो मच.